हेलो एवरीबॉडी, आई एम अनुराग सिंह पाल एसआईजी फरुखाबाद। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्टर उषा राजेंद्र पेंशिया यूट्यूब चैनल पर। अंग्रेजी शिक्षण के क्रम में अभी तक जो आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ने का तरीका मैं सिखा रहा था, इसमें अभी बच्चों ने चार वोवेल की लॉन्ग साउंड को सीखा। आज हम उन चारों वोवेल को एक साथ समझने का प्रयास करते हैं और ये देखते हैं कि उन चारों वोवेल की शॉर्ट साउंड से लॉन्ग साउंड किस तरीके से बनती है। यहाँ पर मैंने चार वोवेल के चार शब्द अलग अलग लिखे हैं। पहला वोवेल है हमारा ए। ए वोवेल की शॉर्ट साउंड होती है ए, एम ए डी, मैड। लेकिन जब इसके अंत में ई लग जाता है तो ये ए साउंड ए साउंड में बदल जाती है, एम ए डी, मैड, मेड, बिट, बाइट, कॉड, कोड, कट, क्यूट। तो इस तरीके से इन चारों का अभ्यास हम अलग अलग कर चुके हैं। अब हम यहां पर इन चारों साउंड का एक साथ अभ्यास करते हैं और अब हम आ जाते हैं इन चारों साउंड पर बनने वाले कुछ शब्दों का अभ्यास करते हैं। ये एक लिस्ट मैंने तैयार की है जिसमें चारों वोवेल की लॉन्ग साउंड निकालने वाले शब्दों को मैंने कलेक्ट किया है। बच्चे मेरे साथ बोलकर इनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। बेक, बाइट, बोन, ब्रूट, केम, कोन, ट्यूब, केन, डेट, डाइन, डोम, ड्यून, फेस, फाइन, फ्लूट, फ्लेम, गेट, ग्लाइड, ग्लोब, जून। यह एक लिस्ट तैयार की है मैंने जिसके द्वारा आप चारों वोवेल की लॉन्ग साउंड का एक साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चे मेरे साथ मेरे बाद बोल करके इन वाक्यों को, इन सेंटेंसेस को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। शी हैड अ बिग बाइट ऑफ ट्यूब केक। डिड यू सी द माइस रेस टू द स्टोव। She has a red nose and a pale face. He ran 10 miles to win the prize. I gave the globe to Jay. He came to the game late. I made 5 spice cakes. The man had a big pine box. तो आज आप लोगों ने चारों वोवेल की लॉन्ग साउंड का एक साथ अभ्यास किया। इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ बोल करके पढ़ने का अभ्यास करते रहें। मैं अंत में आप सभी से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक डॉक्टर उषा राजेंद्र पेंशिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो आपको समय से प्राप्त होते रहें। नमस्कार।